देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं सौ बार, एक जन्म नहीं सौ जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। योगी आदित्यनाथ का यह सनातनी बयान 24 के सियासी समर में सनसनी मचा चुका है। योगी का कहना है कि सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं वो सौ बार सत्ता को ठुकरा सकते हैं, एक जन्म नहीं सौ जन्म में भी सनातन धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। मैं तो एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं सौ बार, एक जन्म नहीं सौ जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से 100% साफ हो गया कि अगर योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े आक्रामक पैरोकार हैं, तो हिंदू देश का सबसे बड़ा वोट बैंक, जिसके दम पर योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में सनातन का मैग्नेट लेकर विजय पथ पर निकलते हैं। तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, पर वो राम के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए हैं, तो रामलला का अधूरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा, हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। योगी आदित्यनाथ सिर मुड़ाए, सन्यासी से मठाधीश और मठाधीश से दोबारा सत्ताधीश बने भगवाधारी योगी, जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसमें योग का मतलब है जोड़ना, और जोड़ने का कर्म करने वाले सन्यासी को योगी कहा जाता है। सन्यास के संसार से अलग सियासत की दुनिया में भी योगी जोड़ने का ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। करोड़ों वोटर्स को 24 के चुनाव में कमल से जोड़ने का काम, सियासत की जमी जमाई अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण के फॉर्मूले को तोड़ने का काम, और वो भी राम के नाम। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है, और वह एक स्वर से बोल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और दूसरी तरफ राम द्रोही है। वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है, वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा, क्या लाहौर और कराची में बनेगा क्या? योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं और ये जलवा भारत की राजनीति में योगी के अलावा किसी के पास नहीं। लेकिन तिहाड़ से लौटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो पहले की तरह उनके निशाने पर पीएम मोदी रहे, लेकिन इस बार निशाने पर मोदी के साथ साथ योगी भी आ गए। केजरीवाल ने यहां तक बोल दिया कि अगर फिर मोदी सरकार बनती है तो मोदी 2 महीने के अंदर यूपी के सीएम को बदल देंगे, यानी फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। केजरीवाल के इस बयान का योगी आदित्यनाथ ने अपने जाने पहचाने अंदाज में जवाब दिया। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है, उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं सौ बार,
एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदू तन मन और रग रग में सनातन का स्पंदन लिए सियासत के सिद्ध पुरुष बन गए। 2024 के चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार के लिए जब योगी चुनाव प्रचार में उतरे तो कैंपेनिंग का नैरेटिव चेंज कर दिया। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के इस ध्वजावाहक को सुनकर वोटर्स मोबिलाइज हो जाते हैं। कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज ना पसंद करता है, वे पसंद करते हैं? एक ही है, गो माता है ना? आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को, कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। योगी के ऊपर यूपी की 80 सीटों की ही जिम्मेदारी नहीं, उनकी पैन इंडिया डिमांड है। जब योगी प्रचार के मंच पर होते हैं तो हार्ड लाइन हिंदुत्व की बात करते हैं। उनकी कड़क प्रशासक की छवि और बुलडोजर बाबा की इमेज उनको रोल मॉडल बनाती है। जब वो राम मंदिर और सनातन की बात करते हैं तो बीजेपी के कोर वोटर एक्टिव हो जाते हैं। योगी ने फिलहाल अपने प्रचार का आधार हिंदुत्व और एंटी माफिया ऑपरेशन को बना रखा है। इस देश में एक राम भक्त है और दूसरे राम द्रोही है। राम भक्त रामलला के भव्य मंदिर से प्रसन्न है, उत्साहित है, उमंग में है और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण उसके लिए लोग के साथ साथ परलोक को सुधारने का एक माध्यम बना है, क्योंकि हर राम भक्त अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को बोल पाएगा कि हाँ, प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला को विराजमान कराने में मैंने भी योगदान दिया था, क्योंकि कमल चुनाव चिन्ह पर मैंने भी वोट दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। दरअसल अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में। ऐसे में योगी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सवाल पूछते हैं तो मथुरा को लेकर अपनी तैयारी का रोड मैप भी जनता को बताते हैं। सभी लोग इस बात के पक्षधर है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इसका मतलब आप मथुरा का भी रास्ता खुलवाएंगे। चुनाव कोई भी हो, कहते हैं कि दिल्ली की नई सरकार का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और योगी आदित्यनाथ के पास यूपी की 80 सीटों की जिम्मेदारी है और यूपी की जनता को कैसे अपनी तरफ लाना है ये योगी को बखूबी पता है। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है, जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है, कांग्रेस सपा बसपा सब ने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते।